ओके गाइस, तो वेलकम बैक टू द चैनल। भाई उम्मीद है कि तुम लोगों ने कल रात की स्ट्रीम देखी होगी और तुम्हें मजा आया होगा भाई। और जिसे जिसने नहीं देखी वो अभी भी जाके देख सकता है, चैनल पे अवेलेबल होगी। तो चलो गाइस अब शुरू करते हैं भाई। लास्ट में जहाँ पे हमने छोड़ा था, जो अपना बीच में काम छोड़ दिया था ना हमने, हाँ, तो हमने 24% किया था कि फ्रंट वाला एरिया जो सारा का सारा हमने क्लियर कर लिया था। और डिसाइड किया था कि साइड वाला और पीछे वाला और ऊपर छत वाला वो इस एपिसोड में करेंगे, ठीक है, ताकि पीछे वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ठीक है, उससे पहले तुम लोगों को बता दूँ भाई कि 10,000 के बहुत ज़्यादा क्लोज है भाई। और मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ भाई कि 10,000 बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब तुम लोगों ने जो सपोर्ट किया ना भाई, मतलब एक छोटे क्रिएटर होते हुए मुझे, बहुत बड़ी बात है भाई। उसके लिए भाई थैंक यू सो मच भाई, ठीक है। और अगर तुम लोगों को दिख रहा है भाई, आज तुम लोगों को वीडियो दिखती है तुम्हारे फीड में और ऑलरेडी 10,000 नहीं हुए, तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना, ठीक है। तो लेट्स बिगिन भाई, सबसे पहले इस साइड से शुरू करते हैं और ग्रीन वाला सबसे सही रहेगा, क्योंकि ग्रीन वाले से मैक्सिमम का एरिया क्लीन हो जाएगा अपना और टाइम भी कम से कम लगेगा। सबसे ज़्यादा अपना टाइम लगने वाला इस तरफ। और मैं देख रहा था कि यहाँ पे अपने लोड आउट को चेंज करने के लिए अपने को, जैसे ना ये क्लीनिंग लिक्विड तो मेरे पास है, लेकिन इनको दोबारा खरीदने के लिए शायद कोई बता रहा था रोटेट भी कर सकते हैं। हाँ, आर से रोटेट हो सकता है भाई ये। और दोबारा खरीदने का ऑप्शन मुझे अभी तक समझ नहीं आया भाई, क्योंकि जो जो मेरे ख़त्म हो चुके हैं उनको दोबारा कैसे खरीदते हैं वो मुझे अभी तक नहीं पता यार। मतलब उसका कुछ देखना पड़ेगा, है ना। तो ये रोटेट करने वाला तुम लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता दिया, बहुत काम की चीज़ है भाई, ताकि एंगल वेंगल में बदल सकूँ, ठीक है। तो अब जल्दी से करते हैं भाई काम शुरू और सेटिस्फाइंग अपने इसके लिए, मतलब मज़ेदार चीज़ जो हम लोगों को जिसमें शुरू से मज़ा आता है वो काम शुरू करते हैं ना। तो लेट्स बिगिन गाइस, ये तो बहुत बहुत जल्दी हो जाता है, ये देखो भाई। हाँ, तो ग्रीन वाले से ऑलमोस्ट सारा क्लियर हो ही जा रहा है, और बाकी अपने को ज़्यादा जो दिक्कत देगा अगर कुछ तो हम उसको येलो वाले से कर लेंगे। जैसे ये नीचे नीचे वाले जो थोड़ा डार्क है ना, ये वाला शायद ग्रीन वाले से एक बारी में नहीं होगा, तो इसके लिए हम येलो वाला ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम है अपने पास। आज की वीडियो तो वैसे भी छोटी होगी मेरे हिसाब से नॉर्मल से, उस दिन तो मैंने 50 मिनट की डाल के कुछ ज़्यादा प्रेशर डाल दिया था तुम लोगों पर, फिर भी काफ़ी लोगों ने देखी भाई वो, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा था वैसे। इतने ज़्यादा लोगों ने देखी भाई, मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेहनत वेस्ट नहीं जाती ना भाई। जैसे मैं नॉर्मली अब ग्रैनी का स्पीड रन किया वो कम लोगों ने देखी, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी थी। मतलब वीडियो तो सिर्फ 26 मिनट की है, लेकिन ऐसे उसको बनाने में, उसको प्रैक्टिस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है भाई। और हाँ, एक बात पहले बता दूं भाई, मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स भी देखे थे, ट्यूटोरियल से प्रैक्टिस की थी भाई, ऐसे नहीं कि खुद से सारा का सारा किया। अगर कोई बोले कि इसने भी ऐसे किया, इसने भी ऐसे किया, तो भाई मैंने ट्यूटोरियल देख के सीखा था, ठीक है, और उसमें कुछ गलत नहीं है भाई, तो मैं छुपाऊंगा भी नहीं, है ना। तो भाई अब जल्दी से करते हैं, ये दीवार ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गई भाई, 26% पे हम लोग आ चुके हैं। इसको कंप्लीट करते करते मेरे हिसाब से तो हम आ जाएंगे, हाँ, 30% के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा एरिया बच गया है, ये देखो, और ये आर से रोटेट कर दिया। हाँ, रोटेट वाला भाई बहुत पावरफुल है भाई, जिसने भी बताया था भाई थैंक यू सो मच, ये काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ है रोटेट करने वाला, ठीक है। और ये वाला भी ऑलमोस्ट हो ही गया, ब्रिक्स वाला। एक काम करता हूँ, पहले ब्रिक्स कंप्लीट कर लेता हूँ, ताकि फिर मेरे को परसेंटेज पता चल जाए, है ना, अगर कुछ बीच में रह जाएगा तो। ये देखो, पहले ब्रिक्स वाला एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो ऊपर मेरे को सब समझ आता जाएगा कि है या कुछ या नहीं बचा। एक घास के पीछे ना छुपा रह जाए भाई, गंदगी अपने को सारी की सारी चिपकानी है भाई, मतलब चमकानी है। हाँ, ये देखो, थोड़ी थोड़ी बीच में रह जाती है, लेकिन इतने से कोई काउंट नहीं करता जितना मुझे पता है, ये ऑलमेडी ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देता है इसे। ये ऑलमोस्ट हमारी ब्रिक ख़त्म हो ही गई, अगर इसको रोटेट कर लूँ तो ऐसे कुछ ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। हाँ भाई, ये तो बहुत ही फास्ट तरीका है यार, मतलब धीरे धीरे नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है। मुझे लगा नहीं था इस गेम में इतना कुछ है, लेकिन इसमें भी काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही हैं भाई। ये देखो भाई, अपना ब्रिक वाला कम्प्लीट हो गया है, अब चलते हैं भाई इस वॉल की तरफ। वॉल हमने यहाँ तक कर दी है, अब इसको जल्दी से जल्दी हम आगे वाला कम्प्लीट करते हैं, ठीक है। कुछ चेंज करने की अभी ज़रूरत है नहीं, ब्रिक हमने कर दिए तो ज़्यादा का ज़्यादा हिस्सा अपना ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये लो भाई, अब वॉल की तरफ आ जाते हैं, और ये पहुंच गए छत की तरफ। ये बंगलो वाला रूफ तो मेरे हिसाब से ना यहाँ से होगा ही नहीं ये कंप्लीट, क्योंकि देखो काफ़ी ज़्यादा दूर तक पानी पहुँचाना पड़ेगा इसके लिए, और इसके लिए छत पर ही चढ़ेंगे तभी ज़्यादा होगा, या तो रेड वाले से होगा। ये देखो भाई, इतनी ज़्यादा दूर तक तो पहुँचा ही नहीं पाएंगे, तो ये रूफ में काउंट हो रहा है, फिर तो इसको छत से कर सकते हैं, या तो सीढ़ी वीढ़ी लगा के चढ़ेंगे इस पर, देखेंगे इसका क्या है ना। सबसे पहले जो अपने रेंज में है ना उसको क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला सारा अपनी रेंज में है ना, और अच्छे से जा भी रहा है ये। ऊपर ऊपर वाले कम जा रहे हैं भाई, लेकिन पर इस वॉल को तो कम्प्लीट करेंगे फिर ही नेक्स्ट में चलेंगे, ठीक है, वरना ऐसे मज़ा नहीं आएगा। ये देखो भाई, काफ़ी ज़्यादा चमकदार सफाई हो रही है यहाँ पे भी, और ये वाला भाई इतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा गंदा होना उतना ज़्यादा साफ़ करने में मज़ा आता है,
और ये वाले गेम वाले अच्छे से समझते हैं भाई, इसलिए नीचे नीचे और ज़्यादा गंदगी डालते हैं ताकि इसको ज़्यादा अच्छे से देख सके साफ होते हुए, और ऊपर ऊपर कम डालते हैं क्योंकि ऊपर एक तो जेट का ये प्रेशर पहुँचता भी नहीं है और ऊपर ज़्यादा मज़ा भी नहीं आता क्योंकि थोड़े थोड़े से ये निशान से हैं सिर्फ, है ना। ये देखो भाई ऐसे वो वाले भी सारे के सारे ऑलमोस्ट क्लियर कर ही दिए मैंने, और बाकी रेड से पहुंचा दूंगा मैं, अगर रेड मतलब बाकी जगह अगर येलो नहीं पहुंचेगा तो रेड तो सब जगह पहुंच ही जाता है। ये देखो रेड से तो छत के भी ऑलमोस्ट सारे के सारे हो ही जाएंगे। ये देखो भाई कितनी दूर तक जाती है इसकी रेंज, भाई बहुत काम का रेड वाला, भाई रेड वाला जैसे रेड रेंजर होता था ना सबसे पावरफुल, वैसे बनाया इन्होंने। रेड के बाद कौन सा सबसे पावरफुल होता था, येलो होता था क्या? मेरे हिसाब से तो ब्लू होता था, पर ब्लू है नहीं इसमें शायद। ये काफी ज्यादा एरिया यहाँ पे भी क्लीन हो गया और काफी ज्यादा बच भी रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, ये सेंटर वाला हिस्से में तो काफी ज्यादा बचा हुआ है। ये देखो इसको देख देख के ही साफ करना पड़ेगा अब, और इस तरफ आ जाते हैं पहले क्योंकि यहाँ पे आराम से पहुंच सकते हैं तो काफी ज्यादा परसेंटेज। अरे मैं सोच रहा था 30% तक होगा, लेकिन 32 तो ऑलरेडी हो गया है, अभी तो विंडो वगैरह करेंगे तो शायद ये 35 भी हो सकता है। ठीक है तो विंडो को पूरा का पूरा क्लियर कर लेते हैं, वुडन फ्रेम को भी और साथ में वॉल को भी, है ना, और ये साथ में छत तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री करनी पड़ती है अपने को। ये लो भाई एकदम जबरदस्त, ये लो काफी ज्यादा अच्छे से हो रहा है ये भी। अच्छा इसमें ज्यादा कॉर्नर भी नहीं है, पर नीचे वाली तरफ पक्का होगा, ये हमेशा रह जाता था मेरे से और मैं ढूंढता रह जाता था भाई कि कहाँ रह गया कहाँ रह गया, लेकिन इस बार नहीं होगा। ये वॉल भी काफी ज्यादा परसेंटेज हो गई अपनी, जैसे तुम लोग देख रहे होगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में देखना वो व्हाइट वाला बार थोड़ा सा बचा है सिर्फ, जैसे विंडो फ्रेम का भी थोड़ा सा बचा है। और ये जब मैं सारा का सारा एरियाज पे कंप्लीट मार दूंगा ना एक बार तो ये भी खत्म हो जाएगा। ये देखो जैसे ये भी ऑलमोस्ट मैंने मार ही दिया और ये हो गया भाई विंडोज वाला, ये सारा का सारा हो गया, 34% हो गया। मेरा जजमेंट बिल्कुल ठीक था भाई कि 35% के अराउंड आ जाएगा, और जैसे मैं ये विंडो कंप्लीट करूंगा ना भाई ये पक्का 35% तक हो ही जाएगा। और ये वॉल भी बची अभी तो जो अपनी रेंज में है, तो फिर पीछे वाली बचेगी और साइड वाली, और छत तो बहुत जल्दी होती है तुम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा ही होगा। तो ये देखो भाई इस तरफ वाली आ चुकी है अब 35%, मैंने कहा था जैसे विंडो कंप्लीट होगी वैसे ही 35% आ जाएगा। और ये वॉल, हाँ वॉल भी काफी कम बची वैसे तो, लेकिन बीच बीच में जो थोड़े से एरियाज है ना इसको देखना पड़ेगा हमें खुद से, क्योंकि ये ना ढूंढ के देखना पड़ता है कि कहाँ से रह गया, क्योंकि ये पूरे परसेंटेज कंप्लीट नहीं दिखाया गया। जैसे अब ये थोड़ा सा बार रह गया ना इसको कंप्लीट करने के लिए ढूंढना ही पड़ेगा। जैसे ये देखो इसको थोड़ा पास आके ट्राई करते हैं, ठीक है अब काफी कम बचा है, लेकिन अगर ये कर लिया ना तो मतलब पूरी की पूरी वॉल में जो थोड़े बहुत निशान बच गए हैं उनको भी खुद से कर लेगा। ये देखो भाई अब ये पूरी को इसने खुद से कंसीडर कर लिया, ठीक है अब छत वाली के लिए तो भाई ये यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिए और कोई ऑप्शन नहीं है, इससे ज्यादा प्रेशर और किसी में है नहीं, है ना। तो ये लो भाई अब आ चुके हैं बैक साइड पे, लेकिन एक बार मैं ना छत पे जाके देख लेता हूँ कि छत पे जाने का ऑप्शन है क्या। तो सबसे पहले तो सीढ़ी प्लेस करते हैं छत पे जाने के लिए और ऊपर चलते हैं, ठीक है। हाँ तो छत के लिए तो वही सिस्टम है अपना, हाँ छत तो बहुत ईजी है भाई, ग्रीन वाले से हो जाएगी मेरे हिसाब से तो, या नहीं हो रही, हो तो रही है ना, तो जैसे हम करते थे कि चलते जाओ और होती जाएगी। हाँ जैसे नॉर्मली अपनी स्टैंडर्ड प्रोसीजर ही बन चुका है भाई, SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बन चुका है, बस चलते जाओ और ये साथ का साथ होता जाएगा, है ना। और ये वाली जो लाइन है ना भाई गटर वाली, इसके लिए तो रेड वाला ही लगेगा, या तो मेरे पास कोई क्लीनर बचा है क्या, एक बार मैं देख लेता हूँ। प्लास्टिक क्लीनर है, यूनिवर्सल ख़त्म है, स्टोन क्लीनर है, वुड क्लीनर है, ग्लास क्लीनर बचा है, मेटल खत्म है। अब ये छत वाला पता नहीं कौन सा मटेरियल है भाई, यूनिवर्सल खत्म है अपना, इसके लिए कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा यार क्योंकि वुड तो मेरे हिसाब से नहीं है ये, है ना। ये कौन सा है अभी, वुड वाले से कर सकते हैं क्या, वुड तो नहीं है यार, ये वुड तो नहीं, ये स्टोन हो सकता है मेरे हिसाब से, स्टोन ट्राई करूं। अरे हाँ ये स्टोन ही है भाई, इतना ज्यादा अच्छे से जो साफ हो रहा है ना ये पक्का स्टोन है, हाँ ये वाला स्टोन ही है। ये देखो भाई कितनी जल्दी से हो रहा है, लेकिन इसको बहुत ज्यादा दिमाग से यूज करना पड़ता है भाई क्योंकि बहुत जल्दी खत्म होता है, कंटिन्यू स्प्रे नहीं मार सकते इसमें, है ना। ये देखो भाई जो सबसे ज्यादा डार्क वाले हिस्से उसको इससे मारो, और बाकी जो मेन मेन मतलब जो बचेगा नॉर्मल नॉर्मल वाला
वो तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ये देखो जैसे ये जो डार्क वाले हिस्से हैं ना, फिर यहाँ पे नीचे ये जो सारे अपने मुर्गियों ने कबूतरों ने अपनी जो निशान छोड़े हुए हैं, इसको तो इससे करना पड़ेगा। ये देखो इस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा भाई प्यार होता है मुर्गियों को। मुर्गियाँ तो ऐसे होती नहीं होंगी शायद, ऊपर छत पे है ना, कबूतर ही होते, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। हाँ तो ये देखो भाई, ये जो डार्क वाले जिद्दी वाले हैं ना, ये वाले तो इससे ही जाएंगे और किसी चीज़ से जाएंगे भी नहीं है। ये देखो भाई इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन काश से थोड़ा ज़्यादा मतलब मटेरियल मिलता, क्योंकि दोबारा खरीदने का ऑप्शन नहीं दे रहे ना ये हम लोगों को, नहीं तो मैं ये खरीद खरीद के पूरा कर देता। अच्छा किसी के मैसेज, माँ कीप्स मेंशनिंग दे आर गेटिंग रियली एक्साइटेड। अरे यार पहले मुझे करने तो दो, पहले एक्साइटेड हो जाते हैं ये लोग भाई। अभी मैंने किया आधा भी नहीं है, 40% किया है मतलब, ये भी ख़त्म हो गया यार बताओ। चलो वैसे अपना काम मैक्सिमम हो ही गया है ना, हम वापस ग्रीन वाले पे आते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं, और इस बार लेंथ वाइज करते हैं ठीक है। हाँ ऐसे को, तो ऐसे को करेंगे तो ज़्यादा जल्दी ख़त्म होगा ठीक है, और साथ में गटर भी कर लेंगे। ये साथ में सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा, इसमें तो बहुत गंदगी है भाई। और ये कोई मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहा था कि ये थोड़ा मतलब जो बारिश वाला पानी उसके लिए होता है करते, उसको गटर क्यों बोल रहे हैं भाई, फिर मुझे ये समझ नहीं आया क्या सिस्टम है भाई इन अंग्रेज़ों का। चलो भाई अब अपने काम की तरफ चलते हैं, बहुत बातें हो गई, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है क्योंकि इसमें छत में नहीं लगेगा, लेकिन एक बैक साइड बची और एक लेफ्ट साइड पूरी की पूरी बची है, तो उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा टाइम बचेगा लगेगा अपना है ना। ये तो भाई भाई अगर हाथ ज़्यादा तेज़ घुमाएं तो और ज़्यादा जल्दी हो रहा है, ये तो मैंने अभी नोटिस किया, ये तो दूर दूर तक हो जाएगा फिर। ये देखो भाई, ओ भाई गिर गया, ओह ज़्यादा जोश में आके यहीं से गिर गया मैं तो भाई, लेकिन फिर से चढ़ जाएंगे। इसमें हेल्थ वेल्थ का तो, ओ भाई ये तो गलत हो गया, इसमें हेल्थ वेल्थ का तो सीन है नहीं भाई ठीक है, तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं अपने को। जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करता हूँ मैं, मेरे हिसाब से 50 से 60% हो जाएगा भाई इस बार, 60 यहीं हो जाएगा ठीक है, तो जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, फिर पता लग जाएगा कितने परसेंट होता है। वैसे तो मेरी जजमेंट अभी तक गलत हुई नहीं है, तुम लोगों ने देखा ही है पूरी की पूरी सीरीज में। ये देखो ये भी सारा का सारा हो गया, रूफ का ऊपर जैसे बार आ रहा है वो कम कम होता जाएगा जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, और जो थोड़े ज़्यादा जो जा नहीं रहे ना निशान, उसके लिए येल्लो वाला ले लेंगे हम, ये जैसे जो बीच बीच में दिखते हैं। वैसे तो इनको काउंट ना भी करें तो चलेगा, जैसे नीचे वाली वॉल में था ना कि तुम मतलब 90% एरिया क्लियर करो तो इसको काउंट नहीं करता है, वैसे इसमें रहेगा कि तुम अगर 90% क्लियर कर लो तो ये ऑटोमेटिकली उसको काउंट करेगा कि लास्ट का 10% चलो मतलब फ्री में दे दिया, जैसे बोनस वाला पॉइंट नहीं होता उसी टाइप में दे देते हैं ये। वैसे देना ज़रूरी है भाई, वरना एक चप्पा चप्पा ढूंढने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत लंबी वीडियोज़ बनेंगी। इनको ये भी देखना पड़ा होगा ना कि यूट्यूबर्स ने इसको मतलब डालना भी है वीडियो को। लो भाई इस तरफ भी आ गए, अब यहाँ से वहाँ तक चलेंगे, कितने ज़्यादा तरीके से साफ हो रहा है भाई, तुम ये देखो। ये लो भाई काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग भाई, अब इसको ऊपर की तरफ मारते हैं, ये देखो भाई कहीं नहीं छोड़ते भाई हम लोग, ये देखो भाई ये देखो एक निशान भी नहीं। ये थोड़ा सा बचा, इसको रोटेट करके मारूंगा, अब वापस इसमें आ जाते हैं। इसकी रेंज थोड़ी सी कम है ना रेड वाले और येलो वाले से, लेकिन इससे हो जाता है काफ़ी ज़्यादा स्पीड में काम है ना, क्योंकि इसकी वाइड है थोड़ी सी ये। अब इस तरफ आ जाते हैं, इस पर भी कर ही लेंगे, वुड का मतलब रूफ़ का भी तक हाफ भी नहीं हुआ है भाई, लेकिन ओवरऑल 47 हो गया, मतलब रूफ़ का काफ़ी बड़ा एरिया कंसिडर किया इन्होंने। ये देखो भाई मैंने कहा था यहाँ पे 50 से 60 होगा, लेकिन मुझे लगता है 60, ओ भाई फिर से गिर गया भाई, ऐसे गिरता रहा ना फिर तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, पर ये ठीक है कोई नहीं, ये दिख गया मुझे निशान गिरने की वजह से दिखा है भाई। ये लो भाई फिर से आ गए इस तरफ, सेटिस्फाइंग बनाने एक तरफ इस साइड को भी, और ये देखो भाई अब इसको रोटेट करके मारूँ क्या, हाँ रोटेट करके हो जाएगा वैसे तो, ये इस तरफ से इस तरफ भी कर ही सकते हैं। हाँ ये देखो भाई
काफी ज्यादा तरीके से क्लीन हो रहा है, काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग है। गोल गोल घुमा सकता हूँ मतलब इस तरफ से, तो इस एंगल से। तो मैं ये देखो भाई, अब 50% अपना रूफ का एरिया हो चुका है क्योंकि मैंने एक साइड ऑलमोस्ट कर दी है। ये देखो भाई ऊपर व्हाइट वाला बार जो है ना वो बिल्कुल सेंटर पे आ गया। ये देखो भाई, और जब मैं दूसरी साइड भी ऐसे जल्दी जल्दी कर दूंगा तो ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। फिर जो बीच में थोड़े से निशान रह भी गए होंगे ना उसको काउंट नहीं करेंगे। ये देखो भाई गोल गोल घूम के जा रहा है ये, और धूप की रिफ्लेक्शन पड़ रही तो और ज़्यादा चमकदार। लेकिन इस बार नीचे नहीं गिरना भाई, नीचे गिरने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं। ये देखो भाई काफ़ी ज़्यादा एरिया यहाँ पे भी क्लीन हो गया, और अब इस तरफ भी आ ही जाते हैं अगर इस तरफ आ चुके हैं तो। ठीक है, इसके लिए तो येल्लो लगेगा भाई, और कोई चांस ही नहीं है। काफी ज्यादा गंदी भाई इनकी चिमनी थी। इसके लिए मेरे पास शायद है मेटल वाला, है मेटल वाला है, जहां जहां है वहां वहां तो हम यूज कर ही लेंगे, है ना। प्लास्टिक, मेटल, अरे मेटल भी खत्म है यार, ग्लास क्लीनर है। ये लो भाई, इस तरफ भी सारा का सारा ये रह गया था पेंडिंग, और अब जाके ये कंप्लीट होने वाला है। ये देखो भाई बंगलो रूफ में आया था ये सारा, अब ये भी बंगलो रूफ में आएगा। मैं बोल रहा हूँ भाई बंगलो रूफ में 60 बोला था मैंने, 60 से ज्यादा एरिया जा सकता है भाई क्योंकि बहुत बड़ी रूफ है। साइड वाली वॉल्स में तो इतना टाइम लगा ही नहीं भाई, साइड वाली वॉल्स तो 2-2 मिनट का काम था। मैं खड़ा हो जाता हूँ फिर से। ये देखो भाई कितना ज्यादा गंदा था भाई ये एरिया, पर जितना ज्यादा गंदा ना भाई उतना ज्यादा साफ करने में मजा आता है। तुम लोगों को तो पता ही है, तुम लोग तो देख रहे हो जो शुरू से भाई। एक बार जिसने शुरू कर दिया ना इस सीरीज को देखना, वो देखता ही है भाई, चाहे फास्ट फॉरवर्ड करके देखे, स्पीड बढ़ा के देखे, जैसे मर्जी देखे, लेकिन देखता जरूर है क्योंकि भाई मजा बहुत आता है एक बार जिसको आदत पड़ जाए, है ना। अगर ये बात सही है तो बता देना भाई सेटिस्फाइंग है या नहीं कमेंट सेक्शन में, है ना। ठीक है भाई, एक तरफ का पूरा हो गया है और वहां पे दिखा रहा है 60% कम्प्लीशन। तो अब आते हैं भाई इस तरफ, और इस तरफ स्टार्टिंग में थोड़ी सी ज्यादा जिद्दी वाली है लेकिन हो ही गई भाई, ग्रीन से ही कर लिया हमने। ये लो भाई अब इस तरफ भी आ गए, और इसको रोटेट करें तो पिछली बार की तरह गोल गोल घुमा के कर सकते हैं। ये देखो कितनी जल्दी खत्म हो रहा है भाई, ये देखो काफी ज्यादा जल्दी भाई। ये लो भाई शानदार है भाई एकदम, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई तुम्हें भी मजा आता है ये सिर्फ ऐसे देखते हो मतलब सपोर्ट करने के लिए भाई, जैसे भी देखते हो भाई बहुत ज्यादा थैंकफुल मैं तुम लोगों का, क्योंकि देखते हो भाई मतलब मेहनत बर्बाद नहीं जाती मतलब।
और भाई एक और बात भाई, जो 10,000 तक जल्दी से पहुंचाओ भाई, फिर मुझे गिव अवे अनाउंसमेंट करनी है। मैंने कहा था ना कि 10,000 पे गिव अवे होगा, तो गिव अवे की अनाउंसमेंट भी करनी है भाई। तो 10,000 अगर अभी तक नहीं हुआ तो भाई जल्दी से तुम दबा दो भाई, तुम करवा दो। अगर सब ये सोचेंगे ना कि बाकी कर देंगे, हम नहीं करेंगे, तो फिर कोई नहीं करेगा भाई, समझ रहे हो? उसके लिए तो येल्लो लगेगा। अगर सब ये सोचेंगे कि हम रहने देते हैं, बाकी कोई ना कोई कर देगा, बाकी कोई ना कोई करवा देगा, फिर कोई नहीं करता भाई। सब ये सोचते रह जाते हैं, फिर होते नहीं भाई। लोग मैंने देखा है कि लाइक एम देते हैं, मैंने तुम्हें भाई एक बार दिया भाई, पहली बार दिया है सब्सक्राइबर एम, ना कोई लाइक एम देता ना कुछ, लेकिन सब्सक्राइबर एम दिया भाई जल्दी से 10,000, है ना? और ज़्यादा दूर भी नहीं है भाई, बहुत बड़ा एम भी नहीं है। इतने लोग तो तुम देखते ही हो भाई वीडियोज़, तो जितने लोग देखते हो भाई, उसके 10-20% ने भी कर दिया तो भाई अपना काम हो जाएगा। तो ये देखो भाई, इसको नीचे से झुक के करना पड़ेगा ऐसे, है ना? ये देखो इस तरफ से रोटेट करके इसमें भाई, मतलब दिमाग भी लगाना पड़ेगा ऐसे, एंगल वेंगल चेंज करके। ओके, अपेरेंटली इवन पॉप्स आउट ऑफ रॉकिंग चेयर एंड हैविंग अ लुक। भाई आ गए क्या देखने के लिए ऑलरेडी? ओके, आ गए तो आ गए, हम क्या कर सकते हैं भाई। अच्छा, ये पॉर्च रूफ को अलग से काउंट कर रहा है क्या? ओके, 60% पे ऑलरेडी आ गए हैं भाई, ऑलमोस्ट हमारा ख़त्म हो ही गया। ज़्यादा लंबी बनेगी नहीं ये वीडियो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया पिछली बार की तरह मुझे खेलते हुए। और अगर होगा तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ और थोड़ी स्पीड बढ़ा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि मुझे खेलते वक्त रियलाइज़ नहीं होता कि मैं कितनी देर से खेल रहा हूँ, क्योंकि मस्त मज़ा आता है, ठीक है? ग्रीन वाले पे आ जाते हैं और थोड़ी स्पीड बढ़ा लेते हैं तुम लोगों के लिए। ये लो भाई, अगर मतलब इन लोगों को इतना इंतज़ार था तो इतना गंदा होने क्यों दिया भाई? मतलब रोज़ डेली साफ़ करते तो इतना गंदा होता ही नहीं ना। और ये देखो भाई कितना ज़्यादा अपनी गाड़ी चमक रही जो हमने साफ़ की है। एक कितने दिन हो गए वैसे तो उसको साफ़ किए हुए, अब बार बार मैसेज कर रहे हैं कि वेट नहीं हो रहा, वेट नहीं हो रहा, तो इतना गंदा होने क्यों दिया भाई से? और वैसे भी घर के अंदर तो मैं हूँ ही नहीं, छत पे तो मैं करता रहूँ, तुम अंदर आके देख लो भाई, बैठ जाओ घर के अंदर। घर के अंदर तो वैसे नहीं कर रहा मैं कुछ। ओके, तो ये फंगस वाले के लिए तो येल्लो वाला भाई, ग्रीन फंगस को मारने के लिए येल्लो फंगस निकालनी पड़ती है मुझे, येल्लो फंगस नहीं येल्लो होल्स निकालना पड़ता है ये वाला। ओके, ये देखो भाई ग्रीन फंगस ग्रीन वाले से जाती नहीं है, ग्रीन वाले के लिए येल्लो निकालना पड़ता है, ठीक है? ये देखो जैसे ये भी है, ये सारा का सारा स्टोन वाला मैंने नीचे यूज़ कर लिया था ना काफ़ी ज़्यादा, नहीं तो यहाँ पे यूज़ हो जाता काफ़ी अच्छे से। ये देखो जैसे पॉर्च रूफ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है ना, उस तरफ तो है नहीं, इस तरफ ही है। ये बंगलो रूफ है, ये पॉर्च रूफ है, हाँ। और ये साइडों से भी होगी ना, हाँ, यहाँ से भी चेक कर लेंगे सारा का सारा। रोटेट करते हैं अब, मारते हैं, है ना? और ये नीचे टावर पे भी जा रहा है भाई, इसके पिलर पोस्ट पोर्च पोस्ट जो है। ओके, तो ये वाला हिस्सा भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया। ओ भाई 64% पे आ गए भाई, मेरे को तो लग रहा है छत पे 80 ना हो जाए, फिर बाद में पता चला सिर्फ नीचे वाला हिस्सा सिर्फ 10% या 20% बचा है। ये लो भाई, ऐसा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, क्योंकि ये रूफ वाला है ना, उस पर सनशाइन की वजह से और ज़्यादा चमकता दिख रहा है जैसे जैसे साफ कर रहे हैं। लेकिन बस वो है ना कि रूफ में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा फिर, कहाँ पे कौन सा एरिया बच गया। जैसे उस बाइक में एक छोटा सा हिस्सा बचा था, और कितना ज़्यादा अपने को परेशानी कर दी उसने भाई क्रिएट। ये देखो भाई, और भाई इवेंट के बारे में मत भूलना प्लीज़ यार, मतलब वो वाला इवेंट बहुत बड़ा होने वाला है, उस लाइव स्ट्रीम में सबको आना है। वो दिन में ही करूँगा, दिन में सब फ्री होंगे तभी करूँगा भाई, ठीक है? वापस ग्रीन पे आ जाएंगे, येल्लो से कर दें, येल्लो से भी हो ही रहा है वैसे, काफ़ी जल्दी हो रहा है तो कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं, ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं और, ठीक है? ये लो भाई, दूर का भी हो जाता है येल्लो से, तो इसलिए तो मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि येल्लो मेरा फेवरेट है भाई। ये बंगलो रूप देखो भाई, ऑलमोस्ट कंप्लीट होता दिख रहा है तुझे। ये देखो मुझे कंप्लीट होता दिख रहा है, तुम्हें तो शायद अभी नहीं दिख रहा होगा मतलब, हाँ। ये देखो भाई, इसको रोटेट करूंगा अगर ऐसे तो ऐसे भी हो जाएगा। अरे भाई ये काफी ज्यादा फास्ट मेथड है। ये देखो भाई ऊपर देखना, व्हाइट वाला बार जो है ना, वो देखना कितनी जल्दी खत्म हो जाएगा। अब ये देखो भाई, इस तरफ भी ऐसे मारेंगे और इस तरफ भी ऐसे मारेंगे। ये देखो भाई, ये देखो एकदम एकदम साफ हो रहा है भाई। और ये जो थोड़े से है ना कंट से, इनको भी करेंगे हम लोग, लेकिन पहले मेन हिस्सा करना है, क्योंकि मैक्सिमम तो ये ऐसे कंसीडर कर लेता कि हो गया हो गया, चलो जाने दो बस, नेक्स्ट करो नेक्स्ट। ये देखो भाई,
तरफ भी हो गया। अब देखना भाई ऊपर एकदम खत्म होने वाला है, और जैसे जो बीच के एरियाज होंगे ना मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ, जैसे टैब से वो काफी ज्यादा एरियाज बीच के बचे हैं, ये देखो इनको काउंट नहीं करेगा ये, उससे पहले खत्म कर देगा मेरे हिसाब से तो, अगर कोई बड़ा सा पैच नहीं बचा है तो। ये देखो इस तरफ सारा का सारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद छत से उतरने से पहले ना अपने को एक गटर भी एरिया करना है क्लीन, ये जो ऊपर बना हुआ है ना, वरना तो ये होगा नहीं खत्म। अब ढूंढना पड़ेगा यार, काफी ज्यादा एरिया बच गया है क्या? अरे कोई बड़ा पैच बचा है क्या? इतना ज्यादा एरिया दिखा रहा है ये, और पोर्च रूफ भी इतनी ज्यादा दिखा रहा है, पोर्च उस तरफ भी है क्या? ये है क्या यहाँ पे? इतना बड़ा तो एरिया बचा ही नहीं है भाई जितना ये काउंट कर रहे हैं, ये क्या हो गया इन्हें? मैं तो तुम लोगों को बोल रहा था ये खत्म कर देंगे, लेकिन इन्होंने तो किया नहीं। अच्छा ये भी है क्या साइड में? अच्छा पॉच रूफ नीचे से भी तो होगी शायद, है ना? वैसे ही वॉल भी ये शायद नीचे से भी होगी शायद। हाँ ये वाले भी बंगलो रूफ में ही आएगा भाई, ये जो साइड्स बची है ना। हाँ ये सारा का सारा तो नीचे से ही होना था। ये भी देखो भाई, ये सारा का सारा बंगलो रूफ में ही आ रहा है, ये वॉल है और ये बंगलो रूफ है। हाँ तो मैं लग ही रहा था भाई कि ऊपर से तो काफ़ी ज़्यादा हमने कर ही दिया, तो ये बंगलो रूफ तो कंप्लीट कर ही लेते हैं भाई, 70 तो इसने करवा दिया। लॉल भाई ये लो, और यहाँ पे तो रेड लगाएंगे, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये लो भाई रेड वाले से कर देते हैं, तुम रेड मांगते हो हम रेड से कर देंगे, तो यहाँ पे फिर से येलो आ जाएगा क्योंकि ये थोड़ी सी हाइट नीचे है ना इस तरफ की। अब ये देखो भाई बिल्कुल कॉर्नर पे आ चुका है, और जैसे मैं यहाँ पे रेड वेड मारूंगा ना बाकी तरफ से अपने आप ही होने लग जाएगा ये। ये देखो ये भी हो ही गया, बस लगभग काफी क्लोज। किस तरफ की बची होगी अब वॉल? ये देखो ऑलमोस्ट, अब भाई किसी भी एक सेकंड वो आएगा और ये पूरा का पूरा कंप्लीट काउंट कर लेगा। ये तो गटर है ना, ये पॉर्च है, इसको भी नहीं, पहले अपने को वॉल पे फोकस करना है और इस तरफ वाली भी करनी है। हाँ ये है ना, ये देखो भाई लोग इसके लिए बिल्कुल सही एम चाहिए भाई। ये लो भाई फाइनली बंगलो रूफ भी हो चुकी है। अब एक काम करते हैं ना, पहले ये जो ग्लास है इसको कंप्लीट करता हूँ मैं अपने औजार खत्म तो नहीं, हाँ वुड वाला नहीं, ग्लास क्लीनर से। हाँ ये ग्लास क्लीनर आ गया, इससे जल्दी से ये साफ करते हैं क्योंकि ग्लास एक बार जल्दी हो जाएगा ना तो अपना मैक्सिमम काम हो जाएगा। इसमें जिद्दी कोने रह गए भाई, हो गया ठीक है। अब ये भी ग्लास है, ये भी हो गया ठीक है। एक ग्लास के लिए 20 पूछ लग रहा है ऐसे, ये भी हो गया। इस तरफ तो नहीं है ग्लास, इस तरफ है नहीं ग्लास, तो ग्लास सारे के सारे हो गए और अपना फिर भी बच गया भाई काफी ज्यादा। ठीक है अब देखते हैं मेरे पास कौन कौन से बचे हैं। तो अपने पास बचा है प्लास्टिक और वुड बचा है काफी ज्यादा, तो वुड वाले को ना यहाँ पे यूज कर लेते हैं क्योंकि अब तो काफी टाइम आ ही चुका है। ये लो भाई वुड वाले से ये भी काफी जल्दी हो जाएगा, ये देखना क्योंकि यहाँ पे सारे जिद्दी दिख रहे हैं मुझे, दाग दूसरे हैं नहीं, और ये जल्दी जल्दी हाथ चलाना पड़ेगा क्योंकि 9 ही बचा है फिर बहुत जल्दी खत्म होता है। ये लो भाई चलो इसमें भी आ गए हम लोग, अब वापस अपने आ जाते ग्रीन वाले में। और अब देखो एक चीज़ मैं बता रहा तुम लोगों को कि अपने को पॉर्च ख़त्म कर लेनी चाहिए क्योंकि पॉर्च रूफ का भी ऊपर से हमने कर लिया, नीचे वाला हिस्सा बचा है तो पॉर्च रूफ को भी कंप्लीट कर ही लेते हैं ना, क्योंकि ऊपर से तो मैंने कर ही दिया था, नीचे से कर देंगे तो अपने को काफ़ी ज़्यादा एक पोर्शन और क्लीन मिल जाएगा। फिर सिर्फ वॉल्स बचेंगी दो साइड की, क्योंकि छत हमने कर दी है और हमने पॉर्च रूफ भी कर देनी है तो ज़्यादा कुछ बचेंगे ना। ये लोग पहले रूफ ही करेंगे, ये देखो भाई इसके लिए बैठना तो नहीं पड़ेगा, हाँ थोड़ा सा तो बैठना पड़ेगा। इस तरफ भी आ गए, रोटेट रोटेट, ये देखो भाई
काफी ज्यादा हो गई, मतलब ये जो मेन मेन पैचेस हैं इनको यहाँ क्लियर करूंगा ना मैं, तो देखना सारा का सारा ये कंप्लीट हो ही जाएगा। जैसे उस छत में हुआ, उस दीवार में हुआ, वैसे इसमें भी होगा देखना तुम। तो ये देखो भाई, लेकिन इसमें भी कुछ कुछ जिद्दी वाले हैं ना, ये जा नहीं रहे इतने आराम से। जैसे ये है ना, अभी ये छोटे से निशान जो है काफी ज्यादा खतरनाक हैं ये भी। ये देखो भाई प्रिसीजन, देख रहे हो कितने प्रिसीजन से कर रहा हूँ मैं। ये देखो, फिर ये देखो, कंप्लीट हो गया भाई ये भी। अब एक काम करते हैं ना, ये जो गटर वाला है ना इसको कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा टाइम लगाया हुआ है अपना, इसको कर लेते हैं भाई। मेटल है ना अपने पास? अरे वाह, मेटल है। अरे नहीं, मेटल नहीं है, प्लास्टिक है यार अपने पास। मेटल मैंने ख़त्म कर दिया ना, हाँ पिछली बाइक वाले में ख़त्म कर दिया। प्लास्टिक है और ग्लास है। प्लास्टिक तो पूरा का पूरा है, प्लास्टिक का करूँगा क्या, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है भाई प्लास्टिक का। पहले नीचे वाली तरफ से सारा गटर करते हैं, उसके बाद चलेंगे भाई ऊपर वाली तरफ से, फिर बचेंगे सिर्फ वॉल्स। और वॉल्स को तो 5 मिनट लगेंगे भाई, क्योंकि 77% पे हम आ चुके हैं। ठीक है, इस तरफ का गटर क्लियर, हाँ मतलब ऑलमोस्ट क्लियर ही है, हाँ क्लियर। ठीक है, अब इस तरफ है नहीं, ठीक है अब इस तरफ है, लेकिन इस तरफ मैंने ऑलरेडी कर दिया, ये थोड़ा सा बचा है। ठीक है, इस तरफ का भी ऑलमोस्ट मैंने कर दिया, और इतने छोटे निशान का फर्क नहीं पड़ता। इस तरफ भी मैंने कर दिया है, हाँ ये थोड़ा सा बचा है। ठीक है, और इस तरफ भी मैंने कर दिया है, हाँ। तो अब छत पे जो बचा है ना भाई, अंदर जाके छत वाली तरफ करना है भाई। ठीक है, फिर दो दीवारें बचेंगी और अपना काम खत्म हो चुका है 77%। अरे सीढ़ी कहाँ चली गई, फिर चारों तरफ राउंड लगा लिया, हाँ। तो अब यहाँ वाली तरफ ये देखो भाई, जैसे ये बचा हुआ है ना, इसके लिए रेड वाला मारते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैलाता है ना। ये देखो भाई, ये पूरे की पूरे इसमें ना ये वाली जिद्दी जो है ना, मतलब जंग वाली जो निशान है, ये वाली बड़ी गंदगी की। ये देखो काफी ज्यादा तरीके से गंदी है भाई ये। और ये देखो कितनी ज्यादा लंबी लाइन एक ज्यादा एक साथ साफ हो रही है, ये देखो तुम सबसे पहले। तो ये देखो भाई, और कैसे एंगल पे टिका हुआ हूँ भाई मैं, बिल्कुल कॉर्नर में खड़ा हूँ यहाँ पे। ये देखो भाई कितनी लंबी लाइन खत्म होगी यहाँ पे एक साथ ही, गिर ना जाना भाई। और पता लगे कि 3-4 बार गिर के इसकी हेल्थ खत्म हो गई, पूरा मिशन फिर से करना पड़ा। इतना सेटिस्फाइंग तो ये भी नहीं है ना कि 2 बार मैं ये मिशन करूँ। अच्छा गटर इतनी जल्दी हो गया क्या, पूरा का पूरा गटर? ठीक है गाइस, 78% पे आ चुके हैं, गटर अपना हो चुका है। अब जल्दी से ना इसको कर लेते हैं दीवार को, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं अपने मजे के चक्कर में तुम लोगों के लिए वीडियो लंबी बना दूँ, है ना। ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, लंबी तो चलेगी क्योंकि तुम लोग खुद मांगते हो कि ज़्यादा लंबी बनाओ ज़्यादा लंबी बनाओ, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा लंबी नहीं, जिसमें मैं अपनी बकचोदी कर रहा हूँ। ठीक है, उतनी लंबी नहीं। तो ये ब्रिक्स भी जल्दी से ख़त्म करता हूँ, और ये पॉर्च पे आ गए हम लोग, और फिर यहाँ पे भी कंप्लीट कर ही देंगे इस हिस्से को। वुडन फ्रेम जो है ना, ये तो काफ़ी ज़्यादा गंदी है, इसका देखते हैं अभी। ये तो अंदर बाहर सब तरफ से गंदी होती है, हाँ ये देखो मैंने तो बोला ही था। ये लो भाई 79% हो गए हम लोग, और इस साइड तो कर ही लिया ना, येलो वाले पे आते हैं, रोटेट करते हैं, और चलो भाई इस तरफ की वॉल भी करते हैं अब। फिर आ जाएंगे पॉर्च पे, ब्रिक वाला काफ़ी ज़्यादा हिस्सा तो मैंने कर ही दिया है ना। ये लो भाई ब्रिक वाला इस एंगल में करेंगे, और जो बाकी वाला है वो इस एंगल में, है ना। एंगल वाला तो सबसे सही बताया भाई बंदे ने, आर वाला जो है ना। ये देखो भाई इस एंगल से ज़्यादा अच्छे से साफ हो जाती काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। ये पॉर्च वाले एरिया में आ चुके हैं, और ये तो सारा का सारा यहीं से मार दूंगा मैं, और इस तरफ से ऐसे। ओ भाई वॉल भी अपनी कंप्लीट हो गई ये वाली ब्रिक्स वाली, और अब इस तरफ आ जाते हैं ना, और ये लेंथ वाइज भी आ जाएगा, विड्थ वाइज भी आ जाएगा, बहुत ही बढ़िया। ये लो भाई, ओ भाई काफी ज्यादा सही तरीके से हो गया ये भी। ये देखो, अरे ये थोड़े से ये जो छुपे हुए हैं ना भाई, ये बहुत चालू होते हैं भाई। तुम लोगों को लग रहा है कि क्या है गंदगी है, लेकिन नहीं भाई, दिमाग है इनमें, छुप के बैठे हैं भाई ये। ये देखो इस तरफ से ये पोस्ट भी आ गई, और इस तरफ से ये भी आ गई। ठीक है, ग्लास हमने ऑलरेडी कर लिया था,
तो अब अपने को पॉर्च जो है ना मेन थोड़ा डेलीकेशन वाला हिस्सा है, जो मतलब थोड़ा सा ऐसा छुपे छुपे वाला जो करना पड़ता है ना, मतलब ऐसे घुस घुस के। और उसके बाद तो बाकी लास्ट वाले जो कॉर्नर में, उस साइड तो सिर्फ दीवार है प्लेन, उसमें तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं करने को, है ना। ये पॉर्च में भी बस ये वाला मेन मेन हिस्सा है, इसके लिए रोटेट कर लेंगे। ये देखो भाई, रोटेट करके काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जा रहा है। ये देखो भाई, काफ़ी ज़्यादा जल्दी और काफ़ी ज़्यादा ईजी। ये लो भाई, ऐसे उठ के भी रोटेट हो जाएगा और बैठ के भी रोटेट हो जाएगा। फिर से एक बार बैठ के कर लेंगे, और इस कॉर्नर के भी सारे के सारे हो गए भाई। परसेंटेज देखो तुम कितनी जल्दी बढ़ रही है इस मेथड से, है ना। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में याद नहीं आ रहा भाई किसने बताया था, और कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे भाई पिछली वीडियो में, तो जिसने बताया था मुझे पिछली वीडियो में आर वाला, भाई प्लीज़ बता दो यार मतलब अपना नाम। तुम भाई काफ़ी ज़्यादा ओपन इंसान हो भाई, ठीक है। तो ये वाली तरफ भी हम आ ही गए, और इस तरफ भी हमने कर दिया। पोर्च भी भाई अपना काफ़ी ज़्यादा हो गया, और ये पोस्ट है ना, अच्छा इस तरफ ये गिननी है। ये दोनों को मिला के काम, अच्छा इस तरफ बचा है ना बाहर, एक तरफ इस तरफ वाली कर दी, अब इस तरफ वाली पोस्ट भी कर देते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है गाइस, 84% है, थोड़ी सी और बची है भाई, देख लेना पूरा ख़त्म होके, ठीक है, तभी मज़ा आएगा तुम लोगों को भी, है ना, और मुझे भी। अच्छा तो मुझे अभी भी आ ही रहा है, तुम्हें भी अभी भी आ ही रहा होगा। ये लो भाई, इस तरफ भी आए गए हम लोग, और इसके एंगल्स भी सारे के सारे क्लियर करेंगे, क्योंकि कॉर्नर्स में ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तुम लोगों को पता लग ही गया होगा अभी तक। लेकिन जैसे ये 90% किया वैसे ये काउंट कर लेगा, ये देखो जैसे, है ना। अब ये थोड़ा सा हिस्सा बचा है, और ये मेन मेन जो बचा है पॉर्च का, इसको कर लेते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स गेट दोनों तरफ के मिला के काउंट कर रहा होगा ये, भाई मुझे तो लग रहा है लास्ट वाली दीवार के लिए 4-5% ही बचेगा शायद, या 7-8, क्योंकि यहीं पे काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज अपनी ख़त्म हो रही है, और एक दीवार बची अभी तो। विंडो हो गया, विंडो फ्रेम बची है ना, ओ लॉल। ये लो भाई विंडो फ्रेम भी आ गई, और ये नीचे वाली तरफ करनी है, विंडो फ्रेम भी हो गई। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, पॉर्च वाले एरिया में फिर से लेंथ वाइज चलेंगे इसमें। ये थोड़े से बच जा रहे हैं ना बीच में, इससे मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, इसको भी ले लेंगे हम। वॉल में आ गए, और ये पॉर्च में भी आ ही जाएंगे, पॉर्च की छत भी तो होगी, अच्छा छत नहीं है क्या, ओके। घर वालों के फिर से मैसेज आना शुरू हो जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी, क्योंकि एंड पे पहुंच गए ना हम लोग। ये लो भाई, ये लो इस तरफ भी आ गए, पॉर्च के भी एकदम एंड पे आ गए हम लोग। ये लग रहा है इसको मैं ये वाली यूज करता हूँ, वुडन वाला यहाँ पे यूज करना चाहिए था भाई अपने को, है ना। क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कहाँ पे इतना ज्यादा बच गया है जो ये इतना ज्यादा काउंट कर रहा है। अच्छा नीचे वाली तरफ है क्या, अच्छा हाँ ये है ना। ये लो भाई, और ये भी है, अब हो रहा है काम, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल में तो मैं कर रहा हूँ। ओ भाई इस तरफ भी, अच्छा, इसीलिए हर एंगल में करना है ना भाई। ये वाली थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल है भाई, इसके लिए तो ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। ये लो भाई, अब बिल्कुल एंड पे आ चुके हैं हम लोग, और ये करते ही हो जाएंगे भाई। चलो भाई फेंस वाला ये भी हो गया, हाँ तो ये पोस्ट फेंस बची, इस तरफ भी हम सेम मेथड से करेंगे जो बची अपनी, और इस तरफ मैंने सारी छोड़ दी होंगी। हाँ एज यूजुअल कॉमन सेंस नहीं लगाई ना मैंने कि उस तरफ भी ऐसे ही है, तो इस तरफ भी ऐसे करना था, लेकिन इसके लिए कहाँ से घुसे। कहीं और से लगाना पड़ेगा भाई दिमाग, क्योंकि उस तरफ से हो नहीं रही, यहाँ से हो जाएगा शायद, ये वाला कंप्लीट कर दूँ अगर तो। हाँ ये भी हो गया, ठीक है, तो इस तरफ भी ऑलमोस्ट हो गया भाई, और इस तरफ बचा भाई ये इतना सा हिस्सा बचा अपना, और बाकी सारा का सारा हमने कर दिया। फ्रंट हमने कर दिया है, ये वाली साइड हमने कर दी है, ठीक है, छत हमने कर दी है, तो ये वाला एक साइड का गटर बचा, हाँ ये वाला गटर बचा एक तरफ का, वो भी देखेंगे किस तरफ से बचा है, और हाँ ये वाला बचा है शायद, हाँ इस सब को अलग अलग गिन रहा है, तो ये वाला करते करते अपना हो ही जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं भाई, ऑलमोस्ट 90% पे आ चुके हैं हम लोग, इसको ख़त्म करते करते 100 हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं बड़े बड़े एरियाज क्लीन करूँगा, ताकि फिर ज़्यादा कुछ बचे ना अपने को, है ना।
इसको कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा जल्दी होने वाला है ये, क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसलिए अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, ये लो भाई, इस तरफ से गटर भी हो गया, 90% पे आ गए। और इसको गिनने शुरू से ऐसे किया होता तो सोचो कितनी जल्दी हो जाता भाई, मैं मज़े ले लेके खेल रहा था ना। ये लो भाई, देखो अब कितनी जल्दी हो रहा है, 91 हो गया। ब्रिक्स में आ गए, इस तरफ भी है ना ब्रिक्स, ये अलग है, लेकिन इस तरफ के ब्रिक्स ख़त्म नहीं की गए इसने। हाँ, ये ब्रिक्स हो गई, अब वापस वॉल पे आते हैं। लो भाई, वॉल पे भी आ गए, इस तरफ से अंदर घुस के करनी है ना। हाँ, ये देखो भाई, मुझे लग रहा है ना सारा लास्ट का जो टाइम है ना वो गटर ही लेने वाला है, जो ढूंढने वाला होता है ना, जैसे बाइक वाले में हुआ था, ढूंढना पड़ा था कि कहाँ पे रह गया, कहाँ पे कौन सा हिस्सा रह गया 1% के लिए, वो वही करने वाला है भाई। ये वॉल भी हमारी हो गई, ठीक है, अब 92 पे आ गए, इस तरफ वाली वॉल भी करते हैं अब। ठीक है, और इस तरफ वाली ब्रिक्स भी कर लेता हूँ मैं पहले, तो क्योंकि इनमें ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं, ज़्यादा क्या टाइम लगता ही नहीं है, ये देखो कितनी जल्दी हो जाती है और शाइन भी कितनी ज़्यादा आती है इनमें, है ना। ये देखो भाई, अपनी ये वाली ब्रिक्स भी ऑलमोस्ट हो ही गई। ये रोटेट वाला सबसे पावरफुल टूल है भाई, येलो प्लस रोटेट ओपी भाई। ये लो भाई, अपना नीचे वाला भी ऑलमोस्ट हो ही गया, ये लो भाई। ठीक है, अब इस वाली वॉल पे आते हैं, 98% पे, सॉरी 93% पे हम लोग आ चुके हैं। ये गटर पे बचा है थोड़ा सा, और एक ये वॉल बची है। ये गटर तो बहुत दिमाग खाने वाला है एंड में, पक्की बात है भाई। ठीक है, और एक तो इन्होंने नाम गटर रखा है, जबकि नॉर्मल सा पाइप बोल सकते थे अगर इसमें बारिश का पानी कलेक्ट होता है, तो नाम देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो साफ करने में। ठीक है, तो ये लो भाई 94%, और इस तरफ आ चुके हैं। इस बार सीढ़ी लगा ही लूंगा भाई, मैं सोच रहा हूँ, वरना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना। ये लो भाई, सेंटर में एक सीढ़ी लगाऊंगा, और ये जो ज़्यादा ऊंचा है ना भाई, उधर पहुंचता नहीं अपना, ये वहाँ पे ये काम आएगी। ये देखो भाई, 95% पे आ चुके हैं हम लोग, ऑलमोस्ट हमने क्लियर कर ही दिया भाई। मुझे लगा था इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा घर वाला जो है ना, लेकिन हो गया भाई। पिछला वाला घर ज़्यादा मुश्किल था इससे, लेकिन पैसे इसमें ज़्यादा है भाई, अपने पास टोटल ऑलमोस्ट $1,000 हो गए हैं भाई, मतलब नहीं 70-80 हज़ार डॉलर, 70-80 हज़ार रुपये है ना। कैश आउट करने का ऑप्शन देखना पड़ेगा, वैसे बाहर कैसे निकलते हैं ये पैसे, क्योंकि साफ तो मैंने किए ही ना भाई, ऐसी बात थोड़ी कि साफ ना किया हो। लो भाई आ गए इसमें भी, अब ऊपर तक पहुँच गया, देखा मैंने कहा था अपने को बहुत ज़्यादा जुगाड़ आते हैं। ये देखो भाई, जहां पे पहले नहीं पहुंच पा रहे थे, अब वहां पे आराम से कर रहे हैं। ये देखो, और जहां पहले आराम से कर पा रहे थे, वहां पे अभी नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन ठीक है, एक बार ऊपर ऊपर वाला कर लिया ना, तो उसके बाद मैं नीचे वाले को लिए हटा दूंगा इसको, क्योंकि ऊपर वाला ही देता है परेशानी ज्यादातर। और हाफ से भी कम में आ गए हम लोग, मतलब हाफ से भी कम बचा अपने को, और ये क्लियर करते करते वो भी चला जाएगा, देखना। 98% पे आ गए भाई लोग, बहुत ही जल्दी, अब देखना तुम कितनी जल्दी ख़त्म होगा। 99 हो जाएगा ये वॉल कंप्लीट करके, और फिर एक गटर बचेगा बस, देख लेना तुम, पक्की बात। यही हो गया, वाओ। और ये वॉल ख़त्म होने वाली है, ये लो भाई वॉल खत्म हो चुकी है, अब देखना मुझे गटर ढूंढना पड़ेगा। मैं तुम्हें लिस्ट में दिखा देता हूँ, चाहे सिर्फ गटर गंदा होगा, ठीक है, डिटेल्स में चलते हैं। एक पोस्ट बची है कोई भाई, 97%, और गटर बचे, एक गटर क्लीन हुआ है पूरा, और बाकी कुछ क्लीन नहीं हुआ भाई, और पोस्ट बची है काफ़ी ज़्यादा। अब पोस्ट भी ढूंढने पड़ेंगे मुझे, कहाँ गई, यहाँ कहीं दिखी थी ना, हाँ ये पोस्ट है कहीं से गंदी, कहाँ पर गंदी है बेचारी ये। अच्छा, ये भी हो गई, अब इस तरफ भी एक पोस्ट हो गया ना, हाँ ये भी बची कहीं ना कहीं से। लो भाई, दो पोस्ट हो गई, अब ये भी गंदी होगी फिर तो। हाँ ये लो भाई, पता नहीं है मुझे कहाँ से है, लेकिन है, मतलब इनके बोलने का मतलब तुम पूछो मत कहाँ से है, बस है। लो इस तरफ से मार देते हैं, लो तीन हो गई, अब ये होगी चार, हाँ ये भी बची है ना, इस तरफ से कर दी, अब इसको साथ ही में मार देंगे इस तरफ से।
ठीक है, ये तो कम ही नहीं हो रही भाई। ऊपर से ट्राई करूं? हाँ ये भी हो गई। ठीक है अब एक ये बची होगी। हाँ ये पोस्ट पता नहीं कैसे मिस हो गई भाई मुझसे। दीवार तो मैं पूरी क्लियर करता करता ही गया था है ना, पता नहीं कैसे मिस हो गई। ठीक है ये भी हो गई और ये लास्ट होगी शायद। हाँ या सेकेंड लास्ट। गैराज डोर कंप्लीट है। अब एक बार फिर से डिटेल्स में जाते हैं। हाँ तो अब सिर्फ पोस्ट सारी की सारी क्लियर हो गई अपनी, और अब सिर्फ बचा भाई गटर वाला एरिया। तो सबसे पहले देखना पड़ेगा नीचे से कुछ बचा होगा अगर इसमें। नहीं ये वाला कंप्लीट है। ठीक है एक बार ऊपर चढ़ जाते हैं ना, ऊपर चढ़ के देखते हैं फिर कौन सा वाले में दिखा रहा है। ये वाला देखो जैसे पूरा का पूरा क्लीन है। ठीक है हाँ ये वाला ख़त्म है और ये वाला होगा काउंट। हाँ ये देखो कितना ज़्यादा बचा भाई लोग। इसके लिए अपना स्पेशल हथियार। ओ भाई कितना ज़्यादा गंदा है भाई, और ये 99% इसके बिना ही हो गया। मतलब ये छोटा सा एरिया था सिर्फ। और ये लो भाई फिर से बैठ के करना पड़ेगा। इस तरफ वाला भी सारा का सारा एरिया मेरे हिसाब से तो, अगर ना भाई ऊपर वाला सारा, ये देखो ये भी हो गया। इस तरफ है गटर। ओ भाई गिरना मत प्लीज। हाँ अब इस तरफ आ गए। ठीक है ये भी काफी ज्यादा गंदा है अभी तक, लेकिन पता नहीं किस तरफ से, नीचे वाली तरफ से होगा क्या ये? इस तरफ से। हाँ इधर से है ना। ठीक है अब ये वाला अलग काउंट हो रहा है। हाँ ये दिख गया मुझे इस तरफ से भी कहाँ से गंदा था। लॉल लो भाई जॉब कंप्लीट हो चुकी है भाई। अब मिल गए हमें, ओ भाई साहब पैसे हो गए हमारे पास $1,000 से भी काफ़ी ज़्यादा। तो ठीक है गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और भाई अभी तक वीडियो देख रहे हो फिर तो सब्सक्राइब करना बनता ही है भाई, और मतलब 10,000 करवा दो यार जल्दी से, मस्त मजा आएगा है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। We'll be right back.